हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई जस्ट होप यहाँ तक का जितना भी पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट कराया था वो आप अब तक रिवाइज कर चुके होंगे। सो मैंने जैसा कि कहा था, आगे हम जो फर्दर टॉपिक्स हैं कि जो आपका यूरो के जो राउंड हुआ उसके अंदर क्या क्या डिसाइड हुआ वो हम आज के लेक्चर में उसके बारे में और बाकी चीजें देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है कि जो यूरोगे राउंड हुआ उसके अंदर एग्रीमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आई। पहला आया एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो दिस एग्रीमेंट एंश्योर्स दैट द पार्टिसिपेटिंग जस्ट मोमेंट स्टूडेंट दैट द पार्टिसिपेटिंग नेशंस डू नॉट मेंटेन एनी टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, वेरिएबल इंपोर्ट लिवाइज, मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस, डिस्क्रिशनरी इंपोर्ट लाइसेंसिंग एटसेट्रा। तो वो कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ कि जितने भी जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशन है वो किसी भी तरीके के नॉन टैरिफ क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का वेरियल इंपोर्ट जो लगाया जा रहा है उसको नहीं लगाया जाएगा। आगे क्या कहा है, ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैव टू रिड्यूस डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइसेस इफ इट इज ग्रेटर देन 5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, एंड 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ये जो परसेंटेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो रिडक्शन करनी है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कहने का सिर्फ इतना मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी अपनी कंट्री के अंदर सपोर्ट प्राइस दे रखा है, आपने पढ़ा होगा ना एक एमएसपी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अगर आप एमएसपी जैसे किसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं और वो डब्ल्यूटीओ की जो लिमिट है उससे ज्यादा चला गया, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, डब्ल्यूटीओ प्रमोट्स कॉम्पिटिशन इन प्रोडक्ट मार्केट बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस। डब्ल्यूटीओ एंड एंडेवर्स टू इंक्रीज मार्केट एक्सेस। सो डब्ल्यूटीओ का काम सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो अननेसेसरी के ट्रेड बैरियर्स हैं या फिर जो भी आपके डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस है कि इस कंट्री, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, इसको अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आप कुछ और पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उसके लिए आप अलग कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। आगे नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग। This agreement aims at having free exports of textile and clothing across the country. वो कह रहे हैं कि जो सबसे पहला है इसके अंदर वो क्या है कि आपको यहाँ पे क्या होगा, free exports होगा textile का and clothing across the countries. Countries के बीच में जो भी होगा वो चीजें free होंगी। It requires the complete eradication of multi-fiber arrangements MFAs which had been in practice up to December 1994. MFAs were a series of bilaterally negotiated quota restrictions to check or limit the excess of developing countries' textile exports to the developed countries. This agreement envisaged that by January 1, 2005, all non-tariff barriers in textile and clothing industry would be done away with. मतलब इस एग्रीमेंट का काम ये था कि टेक्सटाइल या क्लोदिंग से जुड़ा कोई भी अगर चीज है, इवन जो उनके जो फाइबर है, उनके जो फैब्रिक है, उनका जो मटेरियल है, उसके ऊपर भी किसी भी तरीके का अगर आपका नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज है तो उन सारे तरह के जो भी आपने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना, किसी तरह का ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि रिडक्शन स्लैश एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स was to be implemented in phases and the developing countries were permitted to practice non-tariff barriers if the imports were threatening their domestic industries. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि reduction और elimination of non-tariff barriers was to be implemented in phases. वो कह रहे हैं कि आपको अगर किसी भी तरीके का reduction करना है, मतलब या फिर non-tariff barriers को implementation करना है तो वो चीजें पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ किसके केस में, डेवलपिंग कंट्रीज के केस में, ठीक है, लेकिन वो भी तब जब उनको लग रहा है कि इंपोर्ट्स जो है उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आपका हैम्पर कर सकता है तो उस केस में पॉसिबल है, और एल्स वो चीज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या पॉइंट दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज विच इज गैट्स। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू अटेन प्रोग्रेसिवली a liberalized multinational mechanism of trade in services like banking, insurance, telecommunication, air transport and shipping. आप समझते हैं ना services का मतलब क्या। देखो सबसे पहले वाला जो हमने पढ़ा उसमें हमने agriculture means primary sector के बारे में पढ़ लिया एक तरीके से, दूसरे में हमने textile and clothing, देखो textile and clothing जो major part है वो किसका part है, secondary का,
जब भी आप कोई रॉ से कोई भी फिनिश गुड तक में जाते हो तो वो जो प्रोसेस है, वो जो पोर्शन है, वो किसका पार्ट होता है स्टूडेंट? सेकेंडरी सेक्टर का। तो ये हो गया। तो इसलिए इस वाले पोर्शन में हम किसके बारे में बात करने वाले थे? जिस भी तरह की सर्विसेज के अंदर डील किया जाएगा उनके बारे में, जैसे कि चाहे बैंकिंग हो, बैंक से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किए जा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो, टेलीकम्युनिकेशन, लाइक दिस। सो दिस वुड एक्सपैंड एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग द ट्रेडिंग कंट्रीज एंड वुड ऑल्सो हेल्प अंडर डेवलप कंट्रीज इन द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कह रहे कि ये जो चीज है वो क्या करेगी, वो एक्सपैंड करेगी और प्रमोट करेगी किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, किसमें? जो भी ट्रेडिंग कंट्रीज है उनके बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनको हेल्प करेगा। ठीक है, अंडर डेवलप कंट्रीज को हेल्प करेगा क्या करने में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर कोई अंडर डेवलप कंट्री है सुनू, वो अपना एग्रीकल्चर तो देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर, देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि जिन कंट्रीज में एग्रीकल्चर होता है वो हमेशा अंडर डेवलप्ड होंगी, ऐसा नहीं है। जिन कंट्रीज में एग्रीकल्चर आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू किया जा रहा है विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन कंट्रीज को अंडर डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। लाइक इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इन देशों में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये कंट्रीज क्या है, अंडर डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज में एग्रीकल्चर जरूर है, बट स्टिल एग्रीकल्चर के डिस्पाइट एग्रीकल्चर ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मॉडर्न मेथड्स को यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो हम उन्हें किसी भी तरीके से प्रिमिटिव या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कह सकते, राइट? दिस एग्रीमेंट वुड बी एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, MNCs are permitted to operate across all member countries. Second, each trading partner would accord immediately and unconditionally to services and service provider of any other country. Okay, it has been agreed that most favored nation, जो हमने बिल्कुल starting में पढ़ा था, most favored nation status would not be possible for every service activity. So parties may ask for specific exemptions which would be reviewed after 5 years. वो कह रहे हैं कि आपको ये याद रखना है कि क्या-क्या policies इसके अंदर की जाएंगी। MNCs are permitted to operate across all member countries. जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जो भी WTO की मेंबर कंपनीज होंगी, उन सब में उनको ऑपरेट करने की परमिशन दी जाएगी। ईच ट्रेडिंग पार्टनर वुड अकॉर्ड इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली टू सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडर टू एनी अदर कंट्री। तो जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर है वो हर तरीके की जो सर्विसेज चाहिए होंगी उनको देने के लिए अग्री करेंगे। सो दिस अग्रीमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज इट पोजेसेस अ वास्ट रिजर्व ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक IT प्रोफेशनल, जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर, आपको पता है जैसे बैंगलोर है, अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया मेजरली कहीं ना कहीं IT आपके नाम से जाना जाता है कि मेजर जो IT कंपनीज है वो कहां पे है, साउथ इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं जो ये हमने एग्रीमेंट साइन किया इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, क्योंकि आज इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितनी बड़ी कंट्रीज है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? एंड चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टर, टेक्नीशियंस, ये कुछ नाम दे रखे हैं, राइट? चलो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, विच इज कॉल्ड ट्रिम्स। तो ज्यादातर कभी आप न्यूज वगैरह या वर्ल्ड ट्रेड की न्यूज या कोई इकोनॉमिक न्यूज देखोगे तो वहां पर ट्रिम्स वर्ड का बहुत यूज किया जाएगा। क्या मतलब है इसका? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो भी आपके ट्रेड से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट मेजर है उन्हें ट्रिम्स कहते हैं। ट्रिम्स अंडर WTO सीक टू अबॉलिश ऑल रिस्ट्रिक्शंस, कॉमा, मेजर्स एंड कंडीशंस, क्वांटिटी इम्पोज ऑन द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड। ट्रिम्स अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन वर्ल्ड इन एनी और एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ देयर लाइकिंग। तो अगर आप ट्रिम्स के एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं, मेंबर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीइंग अ फॉरेन इन्वेस्टर आप कहीं भी, सब जगह, ठीक है, और किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपको पसंद है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो द एग्रीमेंट फर्दर गारंटीज दैट ऑल द यूनिट्स, वेदर डोमेस्टिक, इंडिजिनस और फॉरेन और एक्सटर्नल, शैल बी ट्रीटेड एट पार विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स देम रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। मेन फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन ट्रिम आर, अब मेन फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। पहला हमने देखा है कि फॉरेन कैपिटल स्लैश इन्वेस्टमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। तो जो भी फॉरेन कैपिटल है या फॉरेन की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आपको रिस्ट्रिक्शन से फ्री करना होगा। नेक्स्ट है फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स विल बी ट्रीटेड एट पार। जो भी फॉरेन या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उनको आपको पूरी की पूरी प्रेफरेंसेस देनी होंगी, मतलब उनको एकदम इंपॉर्टेंस देके काम करवाना है।
फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी फ्री टू चूज एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट खुद चूज कर सकते हैं, राइट। नो लिमिटेशन विल बी इम्पोज बाय द होस्ट कंट्री ऑन द एक्सटेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट बताया था, कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि हम मेजरली कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग, और दूसरी कौन से रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो चीजें थी, एक था FDI और एक था आपको याद हो तो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें थी। स्टूडेंट्स एक्चुअली था क्या कि ना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कंट्रीज कई बार क्या करती थी, कंट्रीज कई बार ना आपके इन्वेस्टमेंट पे एक लिमिट इम्पोज करती थी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आपके किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, उसे मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, तो जी ऐसा है ना कि वो केवल केवल और केवल 52% इन्वेस्ट कर पाएंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 52%, कि अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो 52 फॉरेनर कर ले, लेकिन जो रिमेनिंग 48 रुपया है वो कौन इन्वेस्ट करेगा, वो तो कोई इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करेगी तभी पॉसिबल है। लेकिन जब ट्रिम्स के एग्रीमेंट साइन हुए तो उसमें बोल दिया गया कि पूरी 100% इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, आप कोई ऐसे लिमिट नहीं तय कर सकते कि फॉरेन से कोई कंपनी आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट करेगी और वो 5% करे, 10% करे, 40% करे, 18%, ऐसा नहीं होगा, पूरी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एंटायर 100% दे कैन इन्वेस्ट, राइट। नेक्स्ट आया, इन्वेस्टर्स विल बी फ्री टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स, components, inputs and intermediate goods. Intermediate goods, raw materials को ही बोलते हैं, right? Utilization of local raw materials or product will not be made mandatory for foreign investors. मतलब अगर वो local raw materials या products को use नहीं करे तो उनके लिए mandatory भी नहीं होगा। मान लो कि कोई company को लग रहा है कि भाई इस country में जाके labor सस्ती है, तो labor के लिए वो क्या करना चाहते हैं, labor के लिए वो अपना plant India में shift करना चाहते हैं, बट उनको पता है कि यार मटेरियल उस क्वालिटी का इंडिया में नहीं मिलता, तो उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि मटेरियल भी तुम्हें लेना पड़ेगा, लेबर भी तुम्हें लेना पड़ेगा, तभी होगा, तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसे करो। इन्वेस्टर्स विल नॉट बी ऑब्लाइज टू एक्सपोर्ट अ पोर्शन ऑफ देयर आउटपुट। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उनको ये बोलोगे कि भैया तुम्हें एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, भाई तुम्हें नहीं एक्सपोर्ट करना तो तुम मत करो। नो रिस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड ऑन द रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑफ देयर होमलैंड। Investors will not be subjected to phased manufacturing programs. तो ये सारे कुछ points थे। In this regard, Muchkund Dubey, a bureaucrat, has expressed some reservations, expressing that developed countries have got everything they might have desired from TRIMS agreement. वो कह रहे हैं कि developed countries ने almost जो जो उनको चाहिए था, वो सारा का सारा TRIMS agreement के through हासिल कर लिया, right? अब देख सकते हो कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मटेरियल तुमसे नहीं लेंगे, मतलब जो जो उनके फेवर में हो सकता था ट्रिम्स के एग्रीमेंट के थ्रू उन लोगों ने क्या किया, वो सारा चीजें अपने अंडर ले लिया, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ट्रिप्स, दैट इज एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रिप्स मे बी टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन / इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैविंग कमर्शियल वैल्यू। तो क्या है कि ट्रिप्स का मतलब क्या होता है कि आप इसमें इंफॉर्मेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसमें कोई कमर्शियल वैल्यू जुड़ी होती है। सो द एग्रीमेंट कवर्स कॉपीराइट्स। आपने सुना होगा ना कि मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैंने कोई चीज क्रिएट की, जो चीज मैंने क्रिएट की, अब मैं उसके ऊपर किसी तरीके से क्या चाहता हूं, अपना हक चाहता हूं कि वो चीज मैं ही करूं और कोई ना कर सके, तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अपना जो भी चीज है उनको बुक कराते हैं। तो कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट पेटेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हो गए, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, ये चीज। अब इसमें हमारे पास क्या है, ईच मेंबर टू गेट प्रोटेक्शन थ्रू एक्सक्लूसिव राइट्स रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री और रॉयल्टी फ्रॉम अंडरटेकिंग इनोवेशंस, राइट, टू इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द इनोवेटर ऑन द वन हैंड एंड द यूजर ऑफ द अदर। क्योंकि अगर आप किसी को कॉपीराइट नहीं दोगे तो उसने कोई चीज इन्वेंट तो कर दी, लेकिन बाद में तो वो कोई भी पर्सन उसे कॉपी कर लेगा, तो बीइंग द इनोवेटर मुझे तो फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच समझ के इतने सालों की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद कोई चीज बनाता हूं और दुनिया उसे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कॉपी कर लेती है, तो मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया, बैलेंस बनाया गया कि भाई आप अगर कोई चीज इनोवेटर हो, किसी चीज के आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको क्या दिया जाएगा उसके अंदर, आपको पूरी तरीके से आपके जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि उसे कोई कॉपी ना कर सके। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी विल सॉल्व और सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द WTO मेंबर्स। वो क्या है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई जाएगी जिसका काम क्या होगा कि जो WTO के मेंबर्स है उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करने का काम किया जाएगा, राइट।